कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए, और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही है। तो ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं। ये भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे NSA दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहाँ पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे, फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा। तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला, ना धमकियों से डरता हूँ, ना मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह है। और एक चीज और मैं आपके जरिए कहूँगी, कोई भी अटेम्प्ट अगर मेरी जिंदगी पे होता है तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखेंगे, तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखेंगे, उसके बाद ये भी नहीं बचेंगे। तो इनको सावधानी के साथ डील करना चाहिए। पुलवामा का जहां तक ताल्लुक है, पुलवामा पे जब मैं बोला, पहले मैं कोई चीजें बोलता था तो कोई रिएक्ट नहीं करता था सरकार का आदमी, लेकिन पुलवामा बोलने के बाद सम्मानित गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि जब ये गवर्नर थे तब क्यों नहीं बोले थे, तो मैं उनकी याददाश्त खुरचना चाहता हूं कि मैं पुलवामा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर मैंने 2 चैनल्स को इंटरव्यू दे दिया था और ये कह दिया था कि इसमें हमारी भी गलती रही है, हमारी नाकामयाबी रही है जिसकी वजह से ये हुआ। और जब प्रधानमंत्री जी का फोन मुझे आया, चूंकि वो अनएक्सेसिबल थे, वो नेशनल कॉर्बेट पार्क में थे और उनके पास ये बहाना था कि वहाँ फोन अलाउड नहीं है, तो उनका फोन आया, मुझे ये घटना हुई है 3:30 बजे, 5 बजे उनका फोन आया और उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया कि साहब इस तरह से हमारे इतने जवान शहीद हो गए हैं और ये हमारी गलती की वजह से हुआ, हमारी लापरवाही की वजह से हुआ। तो उन्होंने मुझे तत्काल कहा कि सतपाल इस पे बिल्कुल चुप रहिए, कुछ मत बोलिए। फिर 2 घंटे बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल साहब, वो मेरे क्लास फेलो भी रहे लॉ में, हम साथ पढ़ते थे, उनका फोन आया कि सतपाल भाई इस पे कुछ बोलना नहीं है आपको। मैं समझा शायद ये कोई जांच वांच कराएंगे, तो मैं उसको प्रिजुडिस नहीं करना चाहता था, मैं नहीं बोला। लेकिन आज तक ना कोई जांच हुई है, ना कुछ बताया गया है, ना कोई पब्लिक डोमेन में कोई चीज आई है, और उसको दफन करके पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया, चूंकि चुनाव में वही चीज सूट करती थी, तो उसका पूरा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसी दिन 5:30 बजे एक मीटिंग एड्रेस की रुद्रपुर में इलेक्शन की टेलीफोन से, उसमें भी पुलवामा का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। इनको जो करना चाहिए था इन्होंने कोई काम उस तरफ नहीं किया, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मोड़ा और फिर कहा कि हम अंदर घुस के मारेंगे। और वो पूरा चुनाव, पूरे चुनाव उनकी आप देखेंगे प्रधानमंत्री की वो है स्लिप, वो है क्लिप्स जिनमें वो कहते हैं कि वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना। मैं चाहता हूं कि इस बार वोट डालने जाओ तो पुलवामा के शहीदों को याद रखना, उनकी लाशों पे खड़े होकर जो सरकार बनी उसने आज तक उस मामले की कोई जांच नहीं कराई। और आज मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया है कि इसकी जांच होनी चाहिए, श्वेत पत्र आना चाहिए और इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के देखभाल में होनी चाहिए। मुझे तो हर रोज आता था कि आप यहाँ बैठ के चाय मत किया करो, पाकिस्तान के शूटर आए हुए पहाड़ी पे, आपको कोई मार देगा। मुझे तीसरे दिन जनरल्स 2-2 मिलने आते थे कि साहब आप सड़क से क्यों जाते हो एयरपोर्ट, आपको बम्प ऑफ करने के लिए पाकिस्तान ने IED एक्सपर्ट भेजे हुए हैं। खैर वो हमारे यहाँ एक सुविधा थी कि हेलीकॉप्टर जाता था इसका अपना हमारा खुद का, यहाँ से जो राजभवन था वहाँ से एयरपोर्ट तक मैं उससे चला जाता था, लेकिन सख्त हिदायती रहती थी तो खैर मैं उसको मानता था। लेकिन इसकी जो जानकारी थी कि ये पुलवामा में ऐसा होगा वो मेरी जानकारी में नहीं, तो मेरे से कहते मैं इमीडिएटली करा देता, लेकिन उन्होंने होम मिनिस्ट्री से कहा और होम मिनिस्ट्री ने उनको 5 जहाज नहीं दिए। ये जांच करने की चीज है और इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि कौन जिम्मेवार है। अगर ये कॉन्वॉय नहीं होता और उससे जहाज से लोग आए होते तो कोई जान का नुकसान नहीं होता। इसमें ये भी गलती हुई, मैं गया था उस जगह जहां
विस्फोट हुआ था, उस एरिए में 10 किलोमीटर की दूरी पे दोनों तरफ 8-10 लिंक रोड मिलती हैं मेन हाईवे में, एक भी मैन नहीं थी, कहीं भी कोई जिप्सी नहीं ट्रैफिक को रोकने के लिए कि भाई हमारा कॉन्वॉय जा रहा आप इसमें मत आइए। जबकि मैं हमारी जो फोर्सेज आती थी तो मैं श्योर करता था कि उस दिन कोई सिविल ट्रैफिक हाईवे पे नहीं जाएगा। तो ये देश की सिक्योरिटी के साथ इस स्तर पे खिलवाड़ हुआ और अभी भी हो रहा है, अभी पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या होगा। मेरे बहुत सारे अंदेशे हैं मेरी, और ऐसे ही नहीं है, मेरी जानकारी है कि ये कुछ ना कुछ चुनाव से पहले करेंगे, जो इनकी फितरत है, जो इनकी आदत है, जो ये गुजरात में करते रहे, देश में करते रहे, ये राम मंदिर पे गोला फेंकवा सकते हैं, ये किसी बीजेपी के बड़े नेता का कत्ल करा सकते हैं, ये भारत पाकिस्तान की मेरी डेफिनेट जानकारी है कि हमारे NSA दुबई क्यों जा रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, वहां पाकिस्तान के जनरल से बात करते हैं और मिली जुली कुश्ती करेंगे कि हम 4-5 दिन के लिए घुसेंगे फिर हम आ जाएंगे, आप रिटेलिएट मत करिएगा, तो ये भी हो सकता है पाकिस्तान वाला भी। तो इस तरह की चीजें होंगी, तो इसके लिए हमको अपनी जो जनता है उसको सावधान करना पड़ेगा। ये सांप्रदायिक तनाव वाला तो मुझे अंदाजा था पहले से, आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, चूंकि मैं जाट एरिया से आता हूं, वहां एक कहावत थी कि जाट का तो हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या, चूंकि जाट ट्रेडिशनल सेंस में हिंदू नहीं होता, पूजा पाठ वाला नहीं होता, वो आर्य समाजी होता है, और इसी तरह मेव ट्रेडिशनल सेंस में मुसलमान नहीं होता, वो सिंपल एकदम सीधे सपाट, उनमें दंगा हुआ है कल, जिनके बारे में ये था कि ये इनमें कोई कम्युनलिज्म नहीं है, वहां दंगा हुआ है, ये दंगा जानबूझ के, और ये एक ही जगह नहीं हुआ, कल ही कल में रात रात में 8-10 शहरों में वहां के हरियाणा के ये हुआ, हरियाणा में 47 के बाद कोई दंगे नहीं हुए थे, अब ये हुआ 7-8 शहरों में, बड़े शहरों में ये दंगे हुए हैं और ये होंगे, देश में बड़े पैमाने पे होंगे। तो मैं आपके माध्यम से देश की जनता को, लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि सब अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहिए, और ये समझ जाइए कि ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए चीजें की जा रही हैं, वोट के लिए की जा रही है। और आपसे भी मैं सहयोग की अपेक्षा करूंगा कि आप इस बात को फैलाएं और बताएं कि वोट के लिए यहाँ कुछ भी किया जा सकता है। राम मंदिर वाली भी मेरी डेफिनेट जानकारी है कि चूंकि राम मंदिर मुद्दा वो तब बनेगा जब उस पर बम पड़ेगा या कोई चीज होगी, वो हो सकता है, कृष्ण जन्मभूमि पे हो सकता है, क्योंकि अलकायदा की थ्रेट भी है कृष्ण जन्मभूमि के लिए और अयोध्या के लिए, तो जी हाँ, तो कुछ भी हो सकता है और ये कुछ भी करा सकते हैं। मेरे जीवन में ये बदलाव आया कि मेरी पूरी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, मेरे पास ऑलमोस्ट सेट प्लस सिक्योरिटी थी, अब मेरे पास एक सिपाही है, सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली गई, जम्मू कश्मीर का गवर्नर और जिसने 370 हटाने में मुख्य भूमिका, तो मकान भी दिया जाता है दिल्ली में, वो अब मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, और एक सिपाही है सिर्फ एक, में दो सिपाही आते हैं और बस के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं है, बाहर जाता हूँ तो कोई सिक्योरिटी नहीं होती है, ये बदलाव आया है। लेकिन मैं चूंकि उन एरिया से आता हूँ जहाँ खौफ नाम की चीज नहीं होती, ना धमकियों से डरता हूं, ना मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह है, और एक चीज और मैं आपके जरिए कह दूं, कोई भी अटेम्प्ट अगर मेरी जिंदगी पे होता है तो मेरे लोग इनसे ऐसा बदला लेंगे कि याद रखेंगे, उसके बाद ये भी नहीं बचेंगे, तो इनको सावधानी के साथ डील करना चाहिए मुझे। थैंक यू।